हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मॉस्किज किचन में। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो दिवाली का दिन हो और कुछ मीठा ना हो, स्पेशली मिठाइयाँ, तो दिवाली अधूरी रह जाती है। तो मैंने आज अपने गेस्ट के लिए बनाई है कोकोनट काजू बर्फी, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ले लिया है, जो ड्राई कोकोनट पाउडर होता है वो मैंने एक कटोरी ले लिया है। इसके बाद आधी कटोरी मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो जितनी आपकी कोकोनट की क्वांटिटी आप लेंगे, उसका हाफ आपने शुगर लेना है एंड हाफ ही आपने मिल्क लेना है। तो यहाँ पे हाफ बोल मैंने मिल्क भी ऐड कर लिया है इसमें। एंड तीनों ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काजू पाउडर फॉर्म में। तो मैंने काजू लेकर उसे ग्राइंडर में डाल लिए थे, उसे ग्राइंड कर लिया था एंड उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अगर वो दानेदार भी रह जाता है, डजंट मैटर, आप डाल सकते हैं। ये एक कोकोनट काजू बर्फी एक ऐसी मिठाई है जो आप विद इन 10 मिनट्स रेडी कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और एक्स्ट्रा चीज़ों के। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिल्क कम लगा था, मैंने अराउंड 1 से 2 स्पून मिल्क और ऐड कर लिया इसमें, जिससे कि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए मेरी कोकोनट काजू बर्फी की। तो फ्रेंड्स, इसे दिवाली पर ही नहीं, सपोज सडनली आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, आप खाना तो बना लेते हैं लेकिन आपको लगता है यार लास्ट में मैं एज ए डिज़र्ट उन्हें स्वीट डिश में क्या दूंगी, तो आप ये 10 मिनट्स में रेडी कर। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने 1 स्पून अराउंड इलायची पाउडर डाल लिया था और 2 से 3 चम्मच हम इसमें मलाई डाल रहे हैं। तो ये मेरी घर की मलाई है, दूध से जो फ्रेश क्रीम होती वो है। आप चाहें तो मार्केट वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसमें। और अगर आपके पास मलाई नहीं अवेलेबल है फ्रेश या मार्केट वाली, तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी ऐड नहीं कर रही हूँ, मलाई ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मलाई ऐड करने से ऑटोमेटिकली इसमें घी रिलीज होने लगता है। तो घी मलाई डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद इस तरीके से आपने चेक कर लेना, अगर ये इस फॉर्म में आ गया है कि आपके हाथ में स्टिकी नहीं लग रहा है, तो आप इसे गैस बंद कर लीजिए। अब मैं इस तरीके के कंटेनर में इसे डाल रही हूँ, ये मेरा प्लास्टिक कंटेनर है। आप चाहें आप एल्यूमिनियम के कंटेनर में इसे डाल सकते हैं, स्टील के कंटेनर में डाल सकते हैं, बट उससे पहले उसे ग्रीस जरूर कर लीजिए ताकि बाद में निकालने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये अच्छे से हमने लेवल कर लिया एक बार इसे। अब मैं इसमें वॉलनट डाल रही हूँ, अखरोट और साथ ही बादाम। इसके बाद एक बार हम स्पून से इस तरीके से स्पून में थोड़ा सा आप ग्रीस कर लीजिए स्पून को घी वगैरह से, जिससे कि ये स्पून में चिपके ना। तो ये देखिए एक बार इस तरीके से हमने ऊपर से स्पून से प्रेस कर लेना है इजीली। और इसे हम इसके बाद 1 आवर के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो लुक एट दिस, कितनी यमी सी मिठाई 10 मिनट के अंदर विद इन 10 मिनट्स में रेडी हो जाती है बिना किसी टेंशन के क्या बनाएं हम स्वीट डिश में एंड ऑल। तो फ्रेंड्स, इसे बनाइए, इसे घर पे अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने गेस्ट को सर्व करिए। मार्केट से क्यों लेकर आना है, मार्केट में हम सभी को पता है कितनी मिलावट होती है आइटम्स में, बट घर पर बिल्कुल फ्रेश कोकोनट काजू बर्फी अगर बन सकती है, क्यों मार्केट का हमें अदर चीज़ें लेनी है। अगर आप लोग को ये पसंद आया देन प्लीज़ लाइक।